आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक नए टाइप का प्रॉब्लम में। अभी तक तो जो प्रॉब्लम थे हमने जो क्वेश्चन करे उसमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया था। देखो इस तरह का जो स्टूडेंट ने ये पूछा, इसमें क्या दो फंक्शन क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तब कैसे करना, ठीक है। ये स्टूडेंट ने पूछा था कि इसका ग्राफ कैसे बनाना तो मैंने बताया था इसे आने वाली वीडियो में इंक्लूड करूंगा। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं या तो मैं कमेंट करके वहीं पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसे वीडियो में इंक्लूड जरूर करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसके लिए देखो जो भी है स्टेप होते हैं कुछ भी ड्रॉ करने के, जितने भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ स्टेप बाय चलते हैं। अगर पीछे वाले वीडियो देखेंगे, नहीं भी देखा तो इस वीडियो समझ आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, मैंने स्टेप सारे लिखे हुए हैं, इसी क्वेश्चन को मैंने आगे लिखा हुआ। देखो ये पांच स्टेप है, ये अगर पांच स्टेप आपको याद रहे तो कोई भी ग्राफ बना दोगे, बहुत सवा दो 1 मिनट लगेगी, 1 या 1.5 मिनट में बन जाता है, ठीक है। अगर वैसे बनाने जाओगे 2-3 पेज पे बनता है। वो क्या करते हैं, हर एक सिग्नल को अलग अलग बनाते हैं, उसमें मिस्टेक होने का चांस ज्यादा ही ज्यादा है। देखो ये पांच स्टेप है, इन पांच स्टेप को फॉलो करना। सबसे पहले क्या करना, अगर जैसे टी का मल्टीप्लाई आ जाता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये टी के टर्म आ रहे हैं, T+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना, यहाँ पे T T-3। जब इस टाइप के टर्म आते हैं तो क्या करते हैं, स्टेप वन को पढ़ो, सिग्नल को क्या करते हैं स्टेप और रैंप में कन्वर्ट करना कंप्लीटली, चाहे कुछ ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, ठीक है। स्टेप वन को ही समझो, अभी आगे का जो आगे के जो स्टेप है वो हमारे उसके बाद के हैं, ठीक है। पहले इसको कन्वर्ट करने के बाद के हैं वो। यहाँ पे देखो मैंने सिग्नल को उतार लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये T+1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहला स्टेप यही होता है, क्या करना है उसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना, T+1 U(T)-, ये हो जाएगा T+1 U(T)-1, राइट। अब यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, UT-1 इंटू UT-2 किसके इक्वल होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई है। देखो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार मैं ग्राफ से दिखा दूं, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या, ये पहले UT-1 बनाओ, यानी T+1 पे इसकी होगी और ऐसा करके जा रहा होगा, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड वन, अगला कितना मल्टीप्लाई करनी है किससे के साथ, अगला क्या है UT-2, यानी इसकी डिस्क्रिमिनेंटी कहाँ पर होगी, 2 से, 2 के बाद ये शुरू हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, इतने वाले एरिया में नीचे वाला जो क्या है 0, ठीक है, ये 0, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है ना, 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिल जाएगा। उसके बाद 2 के बाद इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1 है हमेशा बन रहेगी। तो इसका मतलब ये टोटल सिग्नल किसके इक्वल हो गया, सेकंड वाले सिग्नल के इक्वल, यानी UT-2, ठीक है। तो UT-1 इंटू UT-2 का प्रोडक्ट आने वाला है वो किसके इक्वल आने वाला है, UT-2 के, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं सोल्व करके देख सकते हैं अगर प्रोडक्ट में आता है कोई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी का एक बार देख लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, U(T-2), ये सोल्व करके देखना अगर जो प्रोडक्ट में आते हैं तो। अब बाकी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ की, इसके साथ करो, T-3 U(T-2), इस वाले के माइनस से ये वाला प्लस बन जाएगा, T-3 U(T-3), जैसा U के अंदर लिखा वैसे T के साथ होना चाहिए जब भी उसको R में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी तरह अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि टी है अंदर, यहाँ पे टी मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, वो सीधा RT बन जाएगा। टी इंटू UT की वैल्यू कितनी होती है, RT प्लस 1 के साथ की, तो UT आ गया माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके साथ T+1 है, यहाँ पे T-1 है, तो मुझे कैसे करके T-1 बनाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐड कर दूंगा, एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसी में। तो मैं देखो टी को कैसे लिख रहा हूँ, इस टी को कैसे लिख रहा हूँ, मैं पहले ए प्लस वन को अलग रख लिया। अब जो मेरा टी टी ये जो T+1 ये केवल टी है, इसको कैसे लिखूंगा मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यू ऑफ
टी माइनस वन प्लस ये यू ऑफ टी माइनस टू है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अंदर टी माइनस टू है, यहाँ पे टी माइनस थ्री है, तो टी माइनस थ्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी माइनस टू माइनस वन करके लिख सकता हूँ, ठीक है, अलग अलग करके लिख लो ताकि ये आर में चेंज हो जाए, यू ऑफ टी माइनस टू। यहाँ पे देखो टी माइनस थ्री यू टी माइनस थ्री दोनों सेम है, तो मैं ये किस में चेंज हो जाएगा, सीधा आर में, ठीक है। यहाँ पे देखो टी और टी सेम हो गया, तो ये भी क्या हो गया, आर टी बन गया, जो यू के अंदर है वही बाहर टी के साथ होना चाहिए, जब भी उसको आर में चेंज करेंगे, यू ऑफ टी माइनस, यहाँ पे देखो टी माइनस वन, इसको देखो मैं कैसे सोल्व करता हूँ, वो सिंपलीफाई करता हूँ, तो टी माइनस वन वाले को मैं एक एक पास लिख लूंगा, और ये वन प्लस वन बाहर वाला कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। यू ऑफ टी माइनस वन प्लस यू ऑफ टी माइनस टू, अब देखो अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक बार किसके साथ, टी माइनस टू के साथ, टी माइनस टू यू ऑफ टी माइनस टू, माइनस वन के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस वन, और बाहर से वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू ऑफ टी माइनस टू प्लस आर ऑफ टी माइनस थ्री। आगे देखो, आगे सॉल्व करा, बस इसको सिंपलीफाई करना ही पहला स्टेप है, बाकी का ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, पहले टी माइनस वन के साथ की यू ऑफ टी माइनस वन, इस माइनस वन की यहाँ करेंगे माइनस टू हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे यू ऑफ टी माइनस वन हो जाएगा। आ गया ये कितना आ गया, यू ऑफ टी माइनस टू माइनस ये कितना हो जाएगा, टी माइनस टू यू टी माइनस टू से करेंगे तो आर ऑफ टी माइनस टू सेम सेम हो गए, प्लस यू ऑफ टी माइनस टू प्लस आर ऑफ टी माइनस थ्री, ठीक है। तो ये एक्स टी हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया आर टी प्लस यू टी माइनस, सेम सेम पॉइंट पे टी माइनस वन पे आ गया दोनों, तो ये हो जाएगा चेंज आर में, आर ऑफ टी माइनस वन माइनस टू ऑफ यू ऑफ टी माइनस वन। अब यहाँ पे देखो दो, एक ही एरा यू ऑफ टी माइनस टू, एक ही एरा, दोनों को ऐड कर दो, वन ओवन टू हो जाएगा, टू ऑफ यू ऑफ टी माइनस टू माइनस आर ऑफ टी माइनस टू प्लस आर ऑफ टी माइनस थ्री, ठीक है। अब क्या देखो, जब तक सब चेंज हो चुके हैं, बस क्या करना है, इसका करेक्ट ऑर्डर और लगा दो, करेक्ट ऑर्डर से मतलब अगर U और R सेम पॉइंट पा रहे हो तो क्या करते हैं, पहले U वाले को लिखते हैं फिर R वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो T T इक्वल्स टू जीरो पे U और R दोनों, तो पहले किसको लिखेंगे, U वाले को, स्टेप को ज्यादा वो देते हैं, इंपोर्टेंट देते हैं। T इक्वल्स टू वन पे भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पहले किसको लिखेंगे, U वाले को, टू T ऑफ U माइनस वन माइनस ऑफ R ऑफ टी माइनस वन, टी कस टू टू पे सेम चीज हो रही है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ ऑर्डर में, टू ऑफ यू ऑफ टी माइनस टू माइनस आर ऑफ टी माइनस टू प्लस आर ऑफ टी माइनस थ्री, तो ये फाइनल सिग्नल मिला है, इसी को ड्रॉ करना है। अब देखो ये आर और यू में कंप्लीटली चेंज हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा इसमें ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो हमने स्टेप लिखे हैं, ठीक है, ये जो फाइनल आया मैं इसको फाइनल आगे वाले पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है, जो ये आया इसको मैं आगे वाले पेज पे लिख दूँ, ठीक है, वीडियो रोक के। यहाँ पे ये मैंने सिग्नल को उतार लिया जो पीछे वाला था, एक बार मैं अब मैंने स्टेप जो आगे के चार स्टेप थे उनको एक बार पढ़ा देता हूँ। अब देखो पहला स्टेप तो हो गया, रैंप और स्टेप में कन्वर्ट हो चुका है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है मार्क ऑल द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो सारे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है, तो मार्क करना शुरू करते हैं। तो पहला कहाँ पे, टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो। अगला कहाँ पे, टी इक्वल्स टू वन पे, ठीक है, ये कैसे पता चल रहा, जो यू और आर के अंदर लिखा हुआ है ना उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो टी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू वन आ जाएगा। आगे देखो टी माइनस टू यानी टी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो यानी टी इक्वल्स टू टू। अगला कहा टी माइनस थ्री यानी टी इक्वल्स टू थ्री, तीन डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है केवल, इन्हीं पॉइंट पर क्या होगा, चेंज होगा ग्राफ का नेचर। अब देखो आगे वाले पॉइंट पढ़ते हैं,
सेकंड स्टेप पूरा हो गया। ये क्या करना, अगर स्टेप और रैंप सिग्नल सेम पॉइंट पर आते हैं तो पहले किसको ड्रॉ करना, स्टेप को ड्रॉ करना, उसके बाद क्या करना, रैंप को ड्रॉ करना सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट वाला इसमें आए हुए तो पहले स्टेप को ड्रॉ करेंगे फिर रैंप को। ये क्या करना, हर बार क्या करना, स्लोप फाइंड करना, और क्या करना, हर बार स्लोप क्या होगा, जो पीछे के पॉइंटों का जो सारा स्लोप है उसको ऐड करके न्यू स्लोप फाइंड करना, और हर बार क्या करना, वाई की वैल्यू फाइंड करना नेक्स्ट डिस्कंटिन्यू पॉइंट पर, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला होगा एम एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स वन वाई वन वो वाला पॉइंट होगा जिसपे हम खड़े हैं, एक्स टू वो पॉइंट होगा जिसपे जाना है, वाई टू की वैल्यू उस पर निकालेंगे। लास्ट पॉइंट अभी नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट जब आएगा उसको करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो पहले क्या, यूटी से शुरू हो रहा, इसका स्लोप तो जीरो रहता, और यूटी को जब सेम पॉइंट पर आने, सेम पॉइंट पर आने की वजह से क्या होगा, बस केवल इसका पहले यू को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके बाद आर का काम आएगा। तो यू को यूटी का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। सेम पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, ठीक है। ये हो गया यूटी की वैल्यू, ठीक है। इसका काम खत्म, जिसका काम खत्म होता है उसको काटते जाओ। अब आगे देखो, सेम पॉइंट पे है तो इसका स्लोप कितना है, ये प्लस वन लिखा, तो यहाँ पे ये प्लस वन होगा स्लोप। अब मुझे अगले डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट कहाँ पे जाना, वन पे आना, तो ये हो गई एक्स वन की वैल्यू, एक्स वन पे जो वाई की वैल्यू है ये इसका क्या कहते हैं, वाई वन की वैल्यू, और जिस पॉइंट पे जाना उसे हम कहते हैं एक्स टू की वैल्यू, है ना। ये हो गया इसका स्लोप, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, वाई एम एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, ठीक है। ये वैल्यू इसमें लगाओ, m की वैल्यू वन, एक्स टू की वैल्यू वन, एक्स वन जीरो, वाई वन कितना, वन। तो ये कितना आगे सोल्व हो गया, टू। तो अगला जो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट है उस पे जो y की वैल्यू कितनी है, टू है, तो इस वाले पे ये पहले टू यहाँ मार्क कर लो, तो x2 पे इसकी वैल्यू कितनी, टू, ठीक है। इसे क्या करना है, यहां से ज्वाइन कर देना, बस यही काम है इसका, इसको ज्वाइन कर दो यहां से, जहां पे हम खड़े हुए हैं यहां पे थे हम, ठीक है, कहां ज्वाइन कर देंगे, यहां को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना, हर एक पॉइंट के लिए सोल्व करना, ठीक है। बाकी की वैल्यू मिटा देता हूँ, ठीक है, इनका तो काम खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ो, अब मैं वन पा चुका हूं, वन पे अगेन क्या, दो चीजें हैं, वन पे यू और आर दोनों आ रहे हैं, तो पहले यू को ड्रॉ करेंगे, यू को ड्रॉ करते ही फिर आर पे जाएंगे। तो यू यू पे क्या भैया, दो स्टेप कह रहा है ये, नीचे चले आओ भैया, ये क्या कह रहा है, दो स्टेप नीचे ले जाओ मुझे, ठीक है। तो दो स्टेप इसको नीचे ले जाते हैं, उसके बाद आर आर का जो काम है उसको देखेंगे। दो स्टेप मैं दो पे ऑलरेडी हूँ, दो स्टेप नीचे जाऊंगा, माइनस दो का मतलब क्या, दो स्टेप नीचे, तो दो पे ऑलरेडी हूँ, दो स्टेप नीचे आऊंगा तो कहाँ पर आ जाऊंगा, सीधा सीधा ग्राउंड लेवल पे, यानी एक्स एक्सिस पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये किसका काम खत्म हो गया, उसको तो हम ड्रॉ कर चुके थे, अब ये किसका काम खत्म हो गया, यू का काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर सेम पॉइंट पर आता तो, अगर सेम पर नहीं होता तो यू के लिए स्लोप देखते हम, ठीक है। पुराना स्लोप प्लस वन है, न्यू स्लोप कितना हो जाएगा, न्यू स्लोप, यहाँ पर न्यू स्लोप फाउंड करो, पुराना वाला प्लस आगे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कितना, माइनस वन, तो दोनों को जो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। जब जीरो स्लोप आता है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, एम जीरो हो गया तो वाई टू वाई वन जीरो इक्वल हो जाएंगे, यानी वाई वन यहाँ पे जीरो, तो वाई वन वाई टू क्या रह रहा है, जीरो वाला, कहने का मतलब है जब जीरो स्लोप आता है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। जिस पॉइंट पर खड़े हैं वहीं से क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो कहाँ तक, अगले वाले डिस्कंटिन्यू पॉइंट तक, ठीक है। टू पे आ गया मैं, अब कहां पे आ चुका हूं मैं, टू पे, तो अब क्या करूंगा अगेन, अब देखो मेरा पुराना स्लोप कितना, सॉरी, तो अब जो स्लोप है मेरा कितना, जीरो, ये ध्यान रखना, पहले अगले वाले पॉइंट पे गए, टू पे क्या हो रहा, अगेन दोनों चीजें, यू भी आ रही है, पहले यू का काम करो, यू पे यू के लिए क्या कितना, प्लस दो, प्लस दो ऊपर चढ़ा दो इसे पहले, फिर हम क्या करेंगे आर के लिए सोचेंगे, प्लस दो ऊपर गया ये, ठीक है, प्लस दो यहीं पर होगा। अब क्या हो गया, इनका काम खत्म हो गया, ये दोनों काम खत्म कर चुके हैं अपने। अब क्या करेंगे, पुराना स्लोप जीरो है, नया वाला स्लोप कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, नया वाला कितना है, ये वाला स्लोप
-1, तो नया स्लोप कितना जाएगा, ये -1। जब स्लोप आया तो अगला निकालना पड़ेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, स्लोप कितना -1। x1 y1 क्या होगा, ये जिस पॉइंट पर खड़े वो x1 होता है, और उस पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये y, ये होगी y1 की वैल्यू, ठीक है, और जहाँ पे मुझे जाना वो होता है कितना x2, तो ये वाली वैल्यू इसमें लगा दो, x2 यानी 3, x1 आया 2, y1 कितना हमारा, y1 ये कितना 2 है, ठीक है, ये 2 ही तो है यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे ये -1 + 2 आ गया 1, तो यानी अगले वाले डिस्कंटिन्यूटी पे वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू 1 यानी इसकी सूत्र में आएगा कहीं पे, ये यहाँ पर होगा 1, 3 पे, ठीक है, क्या तो जहां पे हम खड़े थे वहां से क्या कर देना, इसको बस मिला देना। अब यहाँ पर आ गए, अब ये 3 के बाद कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, जब लास्ट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर आ जाते हैं तब उसके लिए क्या रूल है, यहाँ पे एक बार मैं पढ़ा देता हूँ दोबारा से, देखो लास्ट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर क्या होता है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अबव डायरेक्शन में, अगर स्लोप नेगेटिव है तो जो लाइन को ड्रॉ करेंगे वहां से कैसे करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, अगर स्लोप 0 तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें पता स्लोप 0 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, स्लोप प्लस होता है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये नीचे की तरफ लाइन आई है क्योंकि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे -1, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला स्लोप ऊपर गया था, यहाँ पे स्लोप +1 था, ठीक है, तो लास्ट वाले पॉइंट के लिए पहले क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं, तो लास्ट वाला स्लोप, पहले स्लोप कितना हो जाएगा, पुराना वाला -1 है, तो नया वाला स्लोप कितना हो जाएगा, पुराना वाला -1, नया वाला कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये +1, तो टोटल स्लोप कितना हो जाएगा, 0, तो नया स्लोप कितना आया, न्यू स्लोप जो 0, तो 3 के बाद जो स्लोप है 0 है, 0 स्लोप का मतलब तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ये आगे ऐसे ही चलते चले जाएगा, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन खींचनी है एकदम, ठीक है, इस तरह चलते चले जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है, बस ये क्या करते हैं, हर बार पीछे का स्लोप होता है उसको जो ऐड कर देना, यहाँ पे बस मिस्टेक होने के चांस है मुझे लगता है, और कहीं पे मिस्टेक नहीं करते स्टूडेंट, ये पुराना वाला स्लोप नहीं ऐड करते हैं आगे वाले में, इसलिए मिस्टेक होती है, ठीक है, वैसे तो आपको पता ही लगेगा 0 स्लोप होता है, हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, प्लस का आएगा ऊपर की तरफ, माइनस का नीचे की तरफ, हर बार क्या करना, पहले अगर इस पॉइंट पर खड़े हैं अगले पे कहाँ तक जाना है ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, उसके लिए y2 निकालते हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।